आज मैं शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे का एकदम यूनिक स्नैक्स रेसिपी जो आपने इससे पहले तो कभी नहीं खाया होगा स्वाद ऐसा कि पसाप समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब खाना भूल जाएंगे ये इतना टेस्टी नाश्ता है और डिज़ाइनदार नाश्ता है इसका डिज़ाइन बनाना काफ़ी आसान है तो चलिए हम वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो कप गेहूं का आटा साथ ही मैंने लिया है आधा कप मैदा आप चाहे तो आप सीधा गेहूं के आटे में या फिर मैदा में भी आप सीधा बना सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया अजवाइन अजवाइन को हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना और उभर के आए हमारे नाश्ते में फिर इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इन सभी को अच्छी तरीके से हम इसे मिला देते हैं फिर इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे पानी ऐड करके हम इसका जो है एक आटा तैयार कर लेंगे तो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा गूँदते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमें आटा को तैयार करना है तो याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा एक बार ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा तो इसी तरीके से हम जो है मिलाते उलाते बिल्कुल अच्छी तरीके जैसे हम रोटी का आटा गूँदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम आटा को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरा आटा गूंथ चुका है और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा गूंथा है फिर यहाँ पर हम बनाएंगे अब स्टफिंग बिल्कुल चटपटा सा तो यहाँ पर मैंने तीन उबला हुआ आलू लिया था मीडियम साइज़ का जिसको मैंने हाथों से इमेज कर दिया इसमें जो है हम डालेंगे हरी मिर्च डाल देते हैं और फिर इसके बाद मैं बारीक कटा हुआ इसमें प्याज डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे फिर इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स फिर इसमें डालेंगे गर्म मसाला और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे चाट मसाला इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम मिला देंगे ये हमारा आलू का बिल्कुल चटपटा स्टफिंग हमारा तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आलू का बिल्कुल चटपटा मसाला रेडी हो चुका है और यहाँ पर क्या करेंगे जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी का आटा हम लोई लेते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है पहले इसमें से लोई को हम तोड़ लेते हैं तो इसी तरीके से जो है मैंने तोड़ लिया है तो देखिए लगभग हमारा लोई बनकर यहाँ रेडी हो गया है तो यहाँ पर एक लोई हम लेंगे और इसको अच्छी तरीके से पहले हम इसे चिकना करेंगे और फिर इसमें लगाएंगे हम सूखा आटा और सूखा आटा लगाकर हम इसे बेलेंगे तो जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बेलना है और थकनेस भी हमें बिल्कुल वैसे ही रखना है फिर यहाँ पर मैंने बेल लिया है फिर यहाँ पर क्या करेंगे चारों कोना है जो है ना इसका काट के हम इसे निकाल लेंगे बिल्कुल इसे चकोर की तरह बिल्कुल हम एक शेप दे देंगे तो यहाँ पर मैंने चारों को निकाल लिया है और फिर इसके बाद बीच से हम इस तरीके से कट कर देंगे तो इसमें हमारा जो है दो स्नैक्स बन के रेडी होंगे तो यहाँ पर हम पहले बीच से आधा दूर हम इसे कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसान है बिल्कुल इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा इसे बहुत ही अच्छा एक डिज़ाइन निकल जाता है बन के तो फिर इसी तरीके से मैं दूसरे को भी कट कर लेती हूँ दोगा तो इसे बनाना बहुत आसान है जब आप बनाइएगा ना तो ईज़ली आपसे बन जाएगा और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही आसान है इसको कटिंग करना कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है तो अब यहाँ पर क्या करा है मैंने आलू का चटपटा मसाला मैंने ऊपर की साइड रखा है इसको इस तरीके से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर अच्छे से चिपकाते हुए हम इसे रोल कर देंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर जो है ना जोड़ उसको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका देंगे और यहाँ पे इसको भी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से में पानी वगैरह की जरूरत नहीं है तो फिर अगर आपको लगे कि आपका नहीं चिपक रहा है तो आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से चिपकाएंगे ना तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा तो इसी तरीके से हम बनाएंगे सभी को तो आपको समझ में आ गया होगा देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि जो इसका स्टफिंग है ना निकले तो इसी तरीके से मैं सभी को बना लेती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो है सभी को बना लिया और देख सकते हैं माशाल्लाह इसका डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है अभी तो इसको फ्राई करना बाकी है तो यहाँ पर मैंने रख दिया है गैस पर कढ़ाई और तेल को मैंने गर्म कर लिया तेल को मैंने ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं किया बिल्कुल नॉर्मल ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है इससे हमारा जो नाश्ता अंदर तक गलेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा तो यहाँ पर मैंने जो है एक एक करके जो है स्नैक्स को हम इसमें डालते जाएँगे और डाल के हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं है, तेल जो है ज़्यादा मैंने कढ़ाई में मैं नहीं डाला है तो ऊपर ऊपर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे हम जो है कच्ची की सहायता से हम जो है क्या करेंगे ऊपर ऊपर हम इसके स्नैक्स के ऊपर हम तेल डालेंगे और इसको उलटते पलटते हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसे फ़्राई करना है जिस तरीके से समोसे फ्राई करते हैं बिल्कुल उस तरीके से हमें इसे फ़्राई करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है काफ़ी कलर चेंज हो गया है तो हमें इस तरीके से जो है चलाते फ्राई करते जाना है ऐसा ना हो कि एक तरफ जल जाए और एक तरफ जो है आ, होता है ना कि एक तरफ ज़्यादा सिक जाता है और एक तरफ कच्चा ही रह जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने बराबर से मैंने इसको सेक लिया अब हम इसे निकाल देंगे और इसी तरीके से हम कर लेते हैं सभी को फ्राई और फ्राई करके मैं आपको डायरेक्ट दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नाश्ता कितना क्रिस्पी बना है और ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है ये देखिए एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपका ये नाश्ता कैसा बना और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी मेरी आसान और टेस्टी रेसिपी का आप सबसे पहले फ़ायदा उठा पाएंगी तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा आप चाहें तो आप इसे टमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं ये चाय के साथ हल्की फुल्की भूख या आप किसी के साथ भी आप खा सकते हैं आपको ये बहुत ही पसंद आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब